सीक्वेंस इज वेस्ट्रम ऑफ सीक्वेंस। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास जो है ना, ये इन्होंने सीक्वेंस दी हुई है -3, 3, 9, 15 और ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और इसकी लास्ट टर्म दे दी 75। मतलब इन्होंने आखिरी टर्म बता दी 75 और ये कह रहे हैं 75 किस टर्म पर आएगी, मतलब किस पोजीशन पर आएगी। मतलब कि ये आपसे बोल रहा है एन क्या होगा इसका। इन शॉर्ट इनके कहने का मकसद क्या है कि आपका एन क्या होगा। तो हम कैसे मालूम करेंगे अपने एन को, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है, इस टर्म की फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए। फिर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ए हमारे पास -3 है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं, तो सेकेंड टर्म 3 है, फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 3 + 3 कॉमन डिफरेंस निकलेगा 6। इसी तरीके से अगर थर्ड टर्म को फर्स्ट सेकेंड टर्म से माइनस करूं तो 9 - 3 भी 6 निकलेगा, 15 - 9 भी 6 निकलेगा। तो मेरे बच्चों पहले तो मुझे ये बताओ कि ये पहचान किस चीज़ की होती है कि जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हम इसको क्या कहते हैं। शाबाश, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, चैट पे आपने अब कनेक्ट रहना है मेरे साथ, ठीक है। आप कहते हैं, आपने AP कहते हैं, A.P। जी जी, A.P, वेरी गुड, शाबाश। AP कहते हैं जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात। अच्छा, उसी के बाद n की वैल्यू आपको मालूम करनी है और TN आपके पास 75 है, यानी कि आपको TN का फॉर्मूला पता है। जनाब TN का फॉर्मूला क्या होता है, फोकस करिएगा स्क्रीन पर। TN बराबर है A + N - 1D। TN की जगह आ गया 75, A की जगह आ गया -3, D की जगह आ गया 6। बेटा मुझे n की वैल्यू निकालनी है, बचपना है ये, कुछ भी नहीं है, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। -3 यहाँ से उठ के शिफ्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ देखिएगा, -3 यहाँ से उठ के शिफ्ट हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 7 + 3 = 78 हो जाता है। ये 6 बाहर लिखा हुआ है, ये 6 दोनों ब्रैकेट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। ये आपके पास मल्टीप्लाई हो गया और ऐड हो गया, 75 + 3 = 78। 6 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 6 = 10 and 6 × 6, ठीक है। उसके फौरन बाद हम जानते हैं हमें एन की वैल्यू चाहिए। माइनस का 6 यहाँ से उठेगा, 78 के पास जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, 78 + 6 मिलकर हो जाएंगे 84। एन की वैल्यू चाहिए, 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 84 / 6 = 14। ये आपका आंसर बना फर्स्ट पार्ट का। ज़रा गौर से सुनिएगा, यानी इसका मतलब क्या है, ये जो 75 आपकी आखिरी टर्म है, ये 14th टर्म है, मतलब के 14th पोजीशन पर आ रही है। समझ में आ रही है बात, ये 14th पोजीशन, n का मतलब है वो पोजीशन बता रहा है कि 14th पोजीशन पर आपके पास क्या निकल रहा है, आपके पास 14th पोजीशन पर 75 आ रहा है। क्या बात समझ में आ गई, वेरी गुड। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, टर्म का मतलब कौन सी टर्म पर आ रहा है, कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, इसका मतलब ये है कौन सी टर्म कौन सी पोजीशन पर आ रहा है। -3, 3, 9, 15, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह ये के 6, 7, 8, 9, 10। जब 14th टर्म आएगी तब जाकर हमारे पास 75 आएगा। समझ में आ रही बात, विच टर्म एन मालूम कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप स्क्रीन शॉट ले लें इसका जल्दी से, शाबाश, स्क्रीन शॉट ले लें जल्दी से, कॉपी करने का इतना टाइम तो मैं दे नहीं सकता आपको, तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। लैपटॉप में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, आई थिंक सो ऑल्टर कंट्रोल और प्रिंट स्क्रीन, सही है, देख कर लीजिएगा। बेटा आप उसे कहें ID, पासवर्ड सब कुछ दिया हुआ है, या तो उसके जूम में कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो जूम आके चेक करवा ले, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, थैंक यू। सेकेंड टर्म, 31st टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर दी 31/4, 1/2 and -13/2 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये सेकेंड टर्म हमारे पास 31/4 की वैल्यू दी हुई है और 31st टर्म पर, मतलब के
31वीं टर्म पर हमारे पास 1/2 आंसर है, और बिल्कुल लास्ट सम इस सीक्वेंस का लास्ट सम हमारे पास 13/2 है। कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर टोटल कितनी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब एन मालूम करने को कह रहा है वो हमसे। तो बेटा जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बताया, हमने बताया टी टू हमारा किसके बराबर हो गया, सेकेंड टर्म का मतलब क्या होता है टी टू, सेकेंड टर्म का मतलब टी टू कितना किसके बराबर है 31/4। बेटा टी 31 किसके बराबर है 1/2, और टी एन, टी एन क्यों लिख रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि ये लास्ट टर्म है। अब लास्ट टर्म किस टर्म की है वो मुझे नहीं पता, ये एन मुझे निकालना है, तो बेटा एन मुझे फाइंड करना है। तो बेटा फार्मूला एक ही होता है, तारीखी फार्मूला, टी एन बराबर है ए प्लस एन माइनस वन डी। इसमें एन आपके पास जनाब किसके बराबर है, इसमें एन आपके पास किसके बराबर है जनाब, इसमें एन, एक मिनट, इसमें एन आपके पास टू, मतलब अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करूं, मैं सेकेंड टर्म और 31वीं टर्म जानता हूं, लेकिन मैं लास्ट टर्म कौन सी टर्म पर मौजूद है वो नहीं जानता। तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड टर्म से ए और 31वीं टर्म से ए और डी निकालूंगा, इनको सॉल्व करूंगा इस तरीके से कि मेरे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ जाए, ताकि मैं अपना एन निकाल सकूं, जिसका नॉर्मल तरीका होता है एन निकालने का। तो देखो मैंने पहले सेकेंड टर्म के सहारे से ए निकाला, देखो किस तरीके से निकाला, हमने टी एन की जगह लिखा टी टू, ए हमें नहीं मालूम, एन की जगह टू लिखा, डी भी हमें नहीं मालूम, तो बेटा टू माइनस वन हो गया वन डी, और टी टू की जगह पर हमने लिख दिया जो कि वैल्यू हमें पता है कि सेकेंड टर्म पर आ रहा है 31/4। इस चीज़ को हम नाम दे देंगे जनाब इक्वेशन नंबर वन की, क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर वन, ये आपकी इक्वेशन नंबर वन हो जाएगी। सही है भाई, समझ में आ रही है बात। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे बढ़ते हैं, एक बार और क्लियर करें, दोबारा क्लियर करें, कोई मसला नहीं, बड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड टर्म, 31वीं टर्म और लास्ट टर्म पता है, सेकेंड टर्म का मतलब हो गया टी टू पता है, 31वीं टर्म का मतलब हो गया, 31वीं टर्म का मतलब हो गया टी 31 पता है, और लास्ट टर्म का मतलब हो गया टी एन, क्योंकि ये नहीं पता कि वो लास्ट टर्म किस पोजीशन पर मौजूद है। जैसे अभी हमने 75 की पोजीशन निकाली थी 14 टर्म, वैसे हमें नहीं पता, यानी हमें एन की वैल्यू निकालनी है लेकिन लास्ट टर्म की वैल्यू की मदद से। तो बेटा इस सवाल में सीक्वेंस नहीं पता हमें, अगर इस सवाल में सीक्वेंस नहीं पता इसका मतलब हमें ए नहीं पता, हमें हमें डी भी नहीं पता, बहुत पहले किया होगा, फीस आ गई, पहले फीस पता करो भाई, चेक कर ले बेटा पहले, अगर दिए तो करा दो ऐड जी। टी एन टी टू बराबर है 31/4, टी 31 बराबर है 1/2, तो ये बात जहन में रखना भाई कि तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें ए भी नहीं पता, तुम्हें डी भी नहीं पता, तुम पहले ए और डी निकालोगे, और किसकी मदद से निकालोगे, तुम निकालोगे सेकंड और 31st टर्म जो कि तुम्हें पता है उसकी मदद से निकालोगे। तो देखो सेकंड टर्म के लिए मैंने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, वही आपका ए पी का जनरल फार्मूला, टी एन की जगह आ जाएगा टी टू, ए प्लस एन माइनस वन डी की जगह पर आ जाएगा टू माइनस वन डी, टू की जगह पर हम यहाँ टू क्यों लिख रहे हैं, सवाल ये है क्योंकि सेकेंड टर्म हमें पता है, और टी टू की जगह पर हमने डायरेक्टली कौन सी वैल्यू लिख दी। ओके बेटा ये टी टू जो हमारा है वो 31/4 है, और ये ए प्लस डी हो गई, ये ए प्लस डी हो गई, ये इक्वेशन वन हो गई, जिसमें ना तो हमें ए पता है ना तो हमें डी पता है। तो अभी ए और डी निकालेंगे, अभी गौर से देखिए, फिर ये टी 31 की मदद से भी यही काम होगा, टी 31 ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, तो एन की जगह क्या आ गया 31, 31 माइनस वन कितने हो गए 30d। बेटा टी 31 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है 1/2, ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपके सामने जनाब, इस पर जरा गौर करिएगा, ये इक्वेशन नंबर टू आ गई। दोनों इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें ए और डी हमें नहीं मालूम। अब तुम क्या काम करोगे, गौर से सुन लो, तुम लोगों ने करना क्या है, एक मिनट रुकना जरा, ये जरा तबाही हुई हुई है, जरा मैं इसको सेट कर लूँ, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है एक मिनट सबर। ठीक है भाई,
अच्छा एक मिनट सब्र करिएगा। शाबाश बता दीजिए। तो बेटा हमने क्या किया, दोबारा से आप एक दफा वर्बली समझ लें कि हमने T2 की टर्म देखी, हमें सवाल में मौजूद है। T31 की टर्म देखी, वो भी सवाल में मौजूद है, लेकिन हमें लास्ट टर्म ये नहीं पता वो किस टर्म पर मौजूद है। लास्ट टर्म की जो वैल्यू है वो नहीं पता कि वो किस टर्म पर मौजूद है, तो हमें एन निकालना है। तो भाई हमें एन निकालने के लिए पहले ए और डी तो पता चले, अगर ए और डी नहीं पता होगा तो हम एन कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने जनरल फॉर्मूला निकाला और हमने T2 की मदद से एक इक्वेशन बनाई, और कैसे बनाई, T2 की वैल्यू हमें सवाल में मौजूद थी 31/4, ए की वैल्यू मौजूद, ए की वैल्यू नहीं मालूम थी, एन की जगह हमने 2-1 लिखा डी, और 2-1 किसके बराबर होता है 1 के, तो 31/4 इज इक्वल टू ए प्लस डी। ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। यही काम T31 के साथ भी करेंगे, एन की जगह 31 आ गया, 31-1 कितने हो गए 30D, ये आपके पास हो गई सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को हमने सबट्रैक्ट कराया, सबट्रैक्ट जब कराया 31/4 ए प्लस डी डायरेक्टली सबट्रैक्ट करा दिया +1/2 प्लस ए प्लस 30D से, लेकिन नीचे की साइनें चेंज कर दी, ए कैंसिल हो गया, इन दोनों को एज इट इज लिख दिया 31/4 -1/2 और -29D आ गया। अब ज़रा नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जनाब इसका, पहले स्क्रीनशॉट ले लो उसका जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, शाबाश। एन को 2 क्यों लिखा है, क्योंकि देखो दो टर्म की तो वैल्यू पता है ना, यानी सेकेंड टर्म का एन तो 2 ही होगा और 31st टर्म का एन तो 31 होगा, लेकिन लास्ट टर्म का एन क्या है वो नहीं पता हमें। सही है भाई, चाइना वाले सवाल है माशाल्लाह मेरे बच्चों के, सही है। अच्छा अब मेरी बात सुने, यहां से आपका काम स्टार्ट होगा। देखें 29/4 -29, देखें 29 से 29 पूरा पूरा कैंसिल, क्या बचता है, डी बराबर हो गया -1/4, क्योंकि वेरिएबल के साथ माइनस की साइन नहीं होगी वो नंबर के साथ चले जाएगी, तो डी किसके बराबर हो गया -1/4। यहाँ तक की बात तमाम बच्चों के क्लियर है, जल्दी से बताइए, शाबाश। डी आ चुका है बेटा, अगर डी आ चुका है तो बहुत आसान काम है, बताओ ए किसकी मदद से निकालें, ए इसकी मदद से भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 की मदद से भी निकाल सकते हैं, ए इक्वेशन नंबर 1 की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो बेटा जल्दी से देख लें हम क्या काम करेंगे, हम जो है वो इस डी को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 पर। तो पुट द वैल्यू ऑफ डी, बेटा 29 ऐसे कैंसिल हुआ, आप इसको ऐसे सपोज कर लीजिए कि 29 डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर जब ये डिवाइड होगा तो 29 से डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है, तो हम इसको यहीं पर भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में डी की वैल्यू पुट करेंगे, 31/4 ए माइनस डी लिखा हुआ था बेटा, सॉरी ए प्लस डी था, ये प्लस है, इसको मैं सही कर लूँ वरना मेरे बच्चे गलत कर देंगे, शरीफ बच्चे हैं मेरे, पता नहीं चलता उन्हें, ठीक है ये प्लस है। ठीक है बेटा ए प्लस 1/4, और ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद वापस माइनस हुआ है, तो इसलिए मैंने आपके सामने यहाँ माइनस लिखा था। तो बैठे बेटा मैंने पहले प्लस करके दिखाया फिर माइनस करके बताया, शरीफ बच्चे मेरे गलती कर जाते हैं। ठीक है तो ए माइनस 1/4, अब जरा गौर से समझ लीजिए क्या काम करेंगे आप ये करेंगे -1/4 यहाँ से पूरा शिफ्ट होगा और वहां जाकर क्या हो जाएगा +1/4। हम यहाँ पर 4 का एलसीएम लेंगे बेटा, सेम नंबर का एलसीएम आता है तो ऊपर वाला नंबर ऐसे ही ऐड हो जाता है, 31+1 कितने हो गए 32, 32 को 4 से कैंसिल किया बेटा, ए की वैल्यू 8 आ गई। अब मुझे एक बात बताओ भाई गौर से समझ के, हमें ए भी नहीं पता था, हमें डी भी नहीं पता था, हमने ए और डी किसकी मदद से निकाला, सेकंड टर्म और 31st टर्म, जब ये सवाल में दी हुई थी, और हमसे ये कह रहा था कि लास्ट टर्म का एन निकाल दो, तो लास्ट टर्म का एन हमें मालूम ही नहीं था। तो लास्ट टर्म का एन निकालने के लिए हमने ये काम सारा किया कि हमने सेकंड टर्म और 31st टर्म से ए और डी निकाला, और अब हम लास्ट टर्म निकालने जा रहे हैं। तो बेटा बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ आपने देखना है, बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ, ठीक है बेटा।
तो अच्छी तरह देखिएगा अब मैं क्या करने जा रहा हूं, गौर से समझिएगा। फॉर एन, अब मैं एन निकालने जा रहा हूं, और मैं किसका एन निकालने जा रहा हूं, मैं लास्ट टर्म का एन निकालने जा रहा हूं। तो ए की वैल्यू 8 है, डी की वैल्यू -1/4 है, लेकिन टी एन उस सीक्वेंस का लास्ट टर्म क्या है, -13/2, जिसका एन मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो बेटा वही फॉर्मूला लगेगा, जरा और से देखिए। टी एन बराबर है a+n-1d, टी एन की जगह क्या आ गया -13/4, ए की जगह क्या आ गया 8, n-1, डी की जगह क्या आ गया -1/4। अब क्या करेंगे भाई, प्लस का 8 यहां से उठेगा, वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस, -13/4 -8, n-1 और -1/4। बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम यहाँ पर गौर से देखिएगा, इसके नीचे अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, हम 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे जनाब। और यहाँ पर जब हम ये 4 गलत लिख दिया है बेटा मैंने, ये 4 गलत लिख दिया है, ये 2 है। ठीक है बेटा, ये 2 है, इसको सही कर लीजिएगा, ये 2 है, मिस प्रिंटिंग है ये 2 है आपके पास। एलसीएम लेंगे हम 2 का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 8 से 2 8 16, -13 -16 ऐड होकर बन जाएंगे, कुछ तो बन जाएंगे, वो देख लेते हैं क्या बनेंगे, क्या बनेंगे अभी पता चल जाएगा। शॉर्ट सही है, ये आपके पास -29/2, -29/2, और बेटा n-1 -1/4। अगला स्टेप देखो क्या हो सकता है, समझना, मैं 2 को इस 4 से डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकता हूँ, ये 4 को यहाँ उठाकर मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, ये दोनों स्टेप पॉसिबल है। तो मैंने 4 को उठाया, वहाँ उठा के मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाला माइनस इस बाहर मल्टीप्लाई होने वाले माइनस से कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस इस बाहर मल्टीप्लाई होने वाले माइनस से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 29/4, 29/4 / 2, n-1, ये 2 जो है बेटा 4 से कैंसिल हो जाएगा। आप इतना तो सिंप्लीफाई खुद कर सकते हैं, जिसको सॉल्व करने के बाद 58 आ जाए। सही है, n-1, ये -1 है, 1 वहां जाकर +1 हो गया 58 के बाद, तो बेटा n की वैल्यू क्या बनी 60, n की वैल्यू क्या बनी 60। तो बेटा एन 60 किसका 60 है, बेटा एन 60 है, जरा गौर से अब क्वेश्चन की तरफ देखना, एन 60 किसका 60 है, जरा क्वेश्चन को देखना, ये सेकेंड टर्म पर आंसर ये था, सेकेंड टर्म पर आंसर, हाँ बेटा सॉरी 59 होगा, ये 31 पर आंसर 51 था, सॉरी 31 पर आंसर सेकेंड टर्म का था, 31 का आंसर 1/2 था, और -13/2 59 टर्म पर आ रही है। जरा देख लीजिए एक दो फिर, ये 59 बन रहा है आपका, -1 58 में प्लस होगा तो ये 60 नहीं बनेगा, ये 59 बन जाएगा। क्या बनेगा भाई, 59 बनेगा, तो इसको भी सही कर लीजिएगा भाई, ये बना आपका 59। ठीक है भाई, सही है भाई, ये 9 और 59 बहुत अच्छा बनाया है मैंने, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से इसका, शाबाश। कौन सा वाला क्वेश्चन है, घर से होमवर्क वाला क्वेश्चन कौन सा हो गया, फर्स्ट टर्म तुम्हारे पास कौन सी हो गई, फर्स्ट टर्म तुम्हें नहीं मालूम, क्वेश्चन नंबर 10 तुम देख लो, एक्सरसाइज 6.1, इसमें T4 तुम्हें दिया हुआ है 7, T16 तुम्हें दिया हुआ है 31। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी तुम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था, मतलब तुम्हें चौथी टर्म पता है, तुम्हें 16वीं टर्म पता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि भाई ए और डी क्या है। तो भाई तुम चौथी टर्म से एक इक्वेशन निकालोगे, तुम फिर 16 टर्म से एक इक्वेशन निकालोगे, और फिर तुम इनको सप्रेक्ट करा के डी निकालोगे, इसको पुट कर दोगे, ए निकाल लोगे। क्या ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 10, शाबाश। उसके बाद आओ इसके पार्ट टू में, पार्ट टू में आओ जल्दी से, ये बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। देखें 8 टर्म की वैल्यू 7 है, 11 टर्म की वैल्यू -23 है, मतलब क्या है, T8 की वैल्यू 7 दी हुई है, T11 की वैल्यू -23 दी हुई है। दोबारा कहता चलूं,
T8 की वैल्यू 7 दी हुई है, T11 की वैल्यू -23 दी हुई है और आपसे कह रहे हैं कि आप A निकालिए और D निकालिए, तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो रहा है बेटा कि अगर तुम्हें कोई भी टर्म उसकी पोजीशन पता हो तो ये बात हमेशा याद रखना कि उन दोनों से अलग अलग इक्वेशंस बनेंगी, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे ए और डी निकालेंगे, और ए और डी निकालने के बाद अगर ये आपसे कहता कि तुम लोग फिर निकालो कोई टर्म तो फिर तुम लोग निकालते, लेकिन तुमसे बोला ही नहीं उसने, तुम्हारा सवाल यहीं पे ख़त्म हो गया जनाब। तो ये सवाल कितना ही इंतहाई आसान सवाल था, अब आप समझ चुके होंगे। अच्छा अब मेरी बात को समझना ज़रा, क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करो, कल कराऊंगा, लेकिन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 256 एंड 789 डेट आर डिविजिबल बाय 7, कितने नंबर होंगे 256 और 90, हाँ इसी तरह 79 तो 789, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा हूँ जी बिल्कुल। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 256 एंड 789 दैट आर डिविजिबल बाय 7। अब तुम लोग को एक काम दे रहा हूँ भाई, सुन लो, ये होमवर्क है तुम्हारा भाई। 256 और 789 के दरमियान कितने नंबर ऐसे आते हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं, ये सीरीज निकाल के लाना कल, मतलब सीक्वेंस निकाल के लाना कि मतलब 256 डिवाइड होता है या नहीं होता, अगर नहीं होता तो उसको छोड़ दोगे, फिर 257 चेक करोगे, फिर 258 चेक करोगे, फिर 259 चेक करोगे, इसी तरह तुम 789 तक जाओगे, कितनी सीक्वेंस नंबर बनाओगे कि भाई कौन कौन से नंबर जो है 7 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, ये तुम लोगों ने निकालना है भाई। क्या तुम लोग निकाल लोगे? शाबाश, कोशिश करना, तुम्हारे पास एक दिन है पूरा, तुम लोग फारिग ही होते हो, काम कर लोगे, इससे कोई शक नहीं है, ठीक है। क्या ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा तुम लोगों से? अच्छा तो फिर अब इसको हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अब हमारी क्लास जो होगी वो नेक्स्ट वीक होगी। ये कौन था ये? बेटा फारिग होने वाली बात नहीं है। तुम लोग अपना दिमाग चला के आना, फिर मैं तुम्हें इसका एक आसान तरीका बताऊंगा ना। लेकिन निकाल तो सकते हो ना भाई,